नहीं रहूंगा यहाँ पर, मुझे मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। इतना डर लग रहा है तो यहाँ नौकरी क्यों की? क्या करता मैं, और कोई नौकरी की तो नहीं मिली मुझे। मुर्दा देखा है कभी? नहीं। देखेगा? नहीं। देख ले, तेरे दिल का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं मुर्दे ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? मुर्दा तो मर चुका है, वो कैसे पकड़ेगा? मुर्दे कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दा तो लेटा हुआ है। नहीं, मत कर। है मुर्दा? ठीक से देख और बता। जब मैं यहाँ पे पहली बार काम पे लगा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था, धीरे धीरे आदत बन जाती है। मालूम है, मुर्दे हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मुर्दे हंसते हैं? हाँ, अगर तुझे कोई मुर्दा हंसता हुआ या रोता हुआ दिखाई दे तो कुछ मत करना, चुप रहना। लेकिन ये मरा कैसे? खून हो गया है इसका और दूसरी लाश आ रही है। सुना है अगर कोई उस लाश की हालत देख ले तो बेहोश हो जाएगा। देखी नहीं जा रही। क्यों, क्या है इस लाश में? ना तो कुछ रूझ, ना ही कुछ देख। चुपचाप इसे लेकर निकल जा। मैं ही जानता हूं मैं इसे लेकर कैसे आया हूं। चल उठा जल्दी। अरे उठाना जल्दी। मैंने कहा था ना, जरा ध्यान से देखना। अरे जल्दी ले चल। अगर आराम से। पीछे मुड़कर देखना चाहिए। मुड़ने की आवाज है। चुपचाप चलता रहा, पीछे मत देख, चलता रहा। जल्दी से रख दे इसको, समझे ना? क्या रख? जल्दी से एंट्री कर दे रजिस्टर में लाश की, मैं चाय पी कर आता हूँ। कुंदन, कुंदन, ये अकेला छोड़ के मत जा यार, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ है? इतनी सारी लाशें हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं अकेले यहाँ मर जाऊंगा। देख,
एक बार हिम्मत कर, अगर आज तू यहां अकेले नहीं रुका ना तो फिर कभी नहीं रुक पाएगा। चल एंट्री कर, मैं यहां तो 15 मिनट में। नन क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ? पांच लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या?
नहीं। गॉड, रात के 2 बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। मेरा फोन भी नहीं लग रहा है, बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखिए, मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ। से मिलने आए। मुझे मिल जाएगा।
कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? वो बिना सिर वाला है। बिना सिर वाला आदमी? इसे तो ऑटो में आया था। ऑटो में आया था वो बिना सिर वाला आदमी। छोटो दो पाव दे यार। अरे साहब तेरी पाव भाजी तो फाइव स्टार होटल जैसी होती यार। एकदम असली बटर लगाया है साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मसाला लगा के। क्या बात कर रहा है? हाँ साहब। अरे यार जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है, बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसे दुश्मन निकाले तो खाना खा। पीछे बाजार, वहां पर तो किसी को नहीं दिखा था बिना ड्राइवर का ऑटो, और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा सामने से। पर ये आदमी है कौन और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं, मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ गए रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर दिखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज, कहीं वो आ तो नहीं गया?
है बिना सर वाला। आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। अरे भैया, वो लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ रहा है। देखो वहां तो शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रुको प्लीज, प्लीज गाड़ी रुको सर। मैम मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए प्लीज, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे जल्दी कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरी बात सुन, मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख, मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख चल।
बड़ी अजीब बात है, रिया और जग्गू दोनों को इसी इलाके में मारा उसने। मतलब वो सिर्फ यही के लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और मतलब के वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी इसी इलाके में होनी चाहिए। छोड़ दे मुझे। मैं चोरी नहीं करूंगा। वो लाल कपड़े वाली। राघव तुम ठीक क्यों हो? हाँ चलो। ये जरूर किसी आत्मात्मा का चक्कर है। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया इस कटे आदमी। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। डरावनी किस्म की आवाज में वो चिल्ला रहा था सर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना मुंह पानी में डाल के चिल्ला रहा हो सर। हाँ सर, सर जब वो बात कर रहा था तो खून के फवारे निकल रहे थे, खून के फवारे थे सर, खून की आवाज थी, चारों तरफ खून ही खून था, खून की आवाज थी। पूरे शहर ने देख लिया उस आदमी को, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखावो। सामने आएगा तो दिखेगा ना। ये बात उसे कौन बताएगा? उसे, मुझे उसे जवाब देना पड़ता है। वो है कौन? इतने दिन हो गए यहाँ काम करते करते और आज ये सवाल पूछा कि कौन है वो? हमने तो कभी देखा नहीं। देखोगे भी नहीं जब तक वो नहीं जाएगा। पर आखिर वो है तो? फिर कभी नहीं पूछना। आत्माएं भी कांपती हैं उसके नाम से। तुम तो क्या चीज हो? उसे क्या जवाब दूंगा? उसे शक्तियों का शॉट चाहिए, शक्तियों की पिक्चर चाहिए उसे। क्यों चाहिए उसे? वो किसी लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था और उसकी आवाज में बहुत बहुत गुस्सा भरा था। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। लाल कपड़े पहनकर जाएगी। और अगर यामिनी कैसे काटिया तो? आत्माओं से लड़ाई जीतनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी।